वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज मिथि 30 अस्सू नानक शाही संमत 555 मुताबिक 16 अक्तूबर 2023 को दफ्तर सकत्रेत श्री अकाल तख्त साहब विखे पांच सिंह साहबान की एकत्रता हुई, जिस विच दीर्घ विचारा करके हेठ लिखे फैसले लै गए। श्री अकाल तख्त साहब जी तो हुए आदेशों से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की करवाई जाने वाली चोण प्रक्रिया में विघन पाने के दोष में जगजीत सिंह सुग्गा नामजद मैंबर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंदौर मध्य प्रदेश को वार वार श्री अकाल तख्त साहब विखे हाज़र होने लिए बुलाया गया, परंतु हर वार ये आनाकानी करके हाज़र नहीं होया, जिसते पांच सिंह साहबान वालों इसकी प्रबंधक कमेटी विचों मैंबरशिप खारिज की जाती है। संगतां नूं आदेश किया जाता है कि जिनी देर तक जगजीत सिंह गुरद्वारा चोण संबंधी किए केस वापस नहीं लैंदा, श्री अकाल तख्त साहब विखे पेश हो के अपने भुल नहीं बख्शाउंदा, उन्नी देर तक संगतां इस नूं मूँह ना लगाउण। गुरद्वारा कलगीधर साहिब कैनाल कलोनी मुल्तानिया रोड बठिंडा विखे दो लड़कियों का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में लावा करके समलिंगी विआह आनंद कार्ज कराउण संबंधी केस विच यह फैसला होया कि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं सदा लई प्रबंध चलाने विच अयोग करार किया जाता है। ये किसी भी गुरद्वारा साहब के प्रबंध विच नहीं आउणगे। संगतां जल्द ही नवी अमृतधारी प्रबंधक कमेटी की चोण करन अते मुख ग्रंथी हरदेव सिंह, ग्रंथी अजैब सिंह, रागी सिकंदर सिंह, तबला वादक सतनाम सिंह नूं सिख रहत मर्यादा की उलंघना करन दे दोष वजों 5 साल लई ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ये किसी भी गुरद्वारा साहबान धार्मिक समागमों में ड्यूटी नहीं करनगे। गुरद्वारा सिंह सभा म्याणी रोड दसूहा जिला हुशियारपुर के केस में गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अकाल तख्त साहब जी विखे वार वार बुलाउण ते हाज़र नहीं हुई, जिसते पांच सिंह साहबान ने गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान परमजीत सिंह, मीत प्रधान जोगिंदर सिंह अते सकत्तर कमलप्रीत सिंह नूं प्रबंध चलाउण विच अयोग करार किया है। समूह संगतां नूं आदेश है कि इन्हां नूं कोई मूँह ना लगावे। दर्शन सिंह मुटाले दे केस विच पंज सिंह साहबान ने यह फैसला किया कि जदों तक ये व्यक्ति श्री अकाल तख्त साहब जसानमुख संगत विच खलो के अपने किते बजर गुनाह नहीं कबूलदा, उन्हां चिर यह कथा कीर्तन करन दा अधिकारी नहीं अते ना ही संगत इस नूं मूँह लगावे अते इस नाल हर पक्ष तो कोई भी सांझ ना रखी जावे। जेकर यह कथा कीर्तन करदा सामने आया तो इस दे खिलाफ मर्यादा मुताबक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अपने स्थान पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करन दा अधिकारी भी नहीं है। संगतां वालों पुजियां शिकायतां अनुसार कुछ व्यक्ति मर्यादा की उलंघना करदिआं समुंदरां दे कंढे बीचां रिजोर्टां अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके आनंद कार्ज विआह करते हैं, जिसते पंज सिंह साहिबान ने फैसला करके समुंदरां दे कंढे बीचां रिजोर्टां आते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करके आनंद कार्ज डेस्टीनेशन वैडिंग करन दा करन ते पूर्ण रूप विच रोक लगाई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।